जिसकी सोच ही खराब हो वो अपना नाम खुद खराब कर ही लेता है। आज उस लड़की ने सारी हदें पार कर दी, उसे पता भी नहीं है कि उसका पुतला किससे पड़ा है। मैं मम्मी को बता ही देती हूँ कि मुझे अंगद ने गैरी पसंद है। मम्मी तो उल्टा खुशी होंगी, बिजनेस का सारा कंट्रोल गैरी के हाथ में जो है। शाबाश तेरे जमण वाले दे, ओ फोन गला फाड़ फाड़ के घंटियां बजा रहा है। ले मम्मी, सुधा मौसी का फोन है। ये चमत्कार कैसे हुआ? मेरी वजह से, मैंने मिस कॉल मारी थी सुधा दीदी को, फोन तो आना ही था। सुधा दीदी का फोन? सच? सुधा दीदी? तोशी, ये सुधा तुझे क्यों फोन कर रही है? तुम पहनों की तो सालों से कोई बातचीत नहीं हुई, फिर आज ये अचानक, कहीं कुछ अनहोनी तो? वो चंका मंगो, वो जबान है, ये ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का कैमरा नेगेटिव ही नेगेटिव भरा हुआ है। सुधा दीदी को बनक लग गई होगी हमारी सीरत दे व्याह की, वो भी अमीर घर के लड़के के साथ में, तो कर लिया फोन पूछने के लिए। आप कुछ भी कहो, बातचीत बंद कर लेने से दिल के रिश्ते तो खत्म नहीं होते ना। मासी है तीनों की, उसे परवाह नहीं होगी। अब कैसे बताऊं मम्मी को गैरी के बारे में? खुशखबरी है जी, खुशखबरी। हो गया जी, सारा इंतजाम हो गया, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। किस बात की टेंशन नहीं मम्मी? किसी भी बात की टेंशन नहीं है। हाँ साहिबा, बड़ा मिस कर रही थी मुझे। सच्ची बात बात में ना मैंने सीरत दे व्याह की बात छेड़ दी, तू इतना खुश हुई, इतना खुश हुई। कहने लगी, संतोष देख तू मना मत कर, सीरत की मासी हूँ मैं तो, मैं तेरी पूरी मदद करूंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मतलब सुधा मासी और उनकी फैमिली हमारे साथ आके रहेंगे? कितने दिनों बाद वो हमारे घर आएंगे ना पापा? हमारे घर क्यों रहेंगे? मतलब ओहो, बातों बातों में बताना ही भूल गई। सुधा दीदी बता रही थी वो गुड्डों में दर्द रहता है ना उनके, वो चल फिर नहीं सकती हैं, उठ बैठ नहीं सकती हैं, तो कह रही थी कि सीरत की शादी की बात वो हम उनके घर पे कर लें। क्या? पर क्यों मम्मी? खुशी, बरार हम लोगों से मिलने पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, रिश्ते की बात करने के लिए हम उन्हें तेरी बहन के घर क्यों बुलाएंगे? अरे लड़के वाले हमारा घर देख लेंगे तभी शादी की बात फाइनल करेंगे ना। देखो जी, आप सुधा दीदी को पराया मानते हो लेकिन वो मेरी सगी बहन है और रहेगी। उनका घर हो हमारा घर हो, एक ही बात है, हम सब एक ही फैमिली हैं। सुधा दीदी ने आगे से आके फोन करके मुझे कहा है कि वो मेरी मदद करेंगी सीरत के ब्याह के लिए, और आज मैं अगर उनको ना कह दूं तो उन्हें नहीं लगेगा कि मेरे दिल में उनके लिए कुछ गलत है। ना जी ना, मैं अब सुधा दीदी का दिल नहीं तोड़ सकती ना। लेकिन तो लेकिन लेकिन करते करते हम यहीं के यहीं रहें। माना कि भले ही बरारों को हमारी असलियत के बारे में पता है, लेकिन फिर भी जी हमारा तो फर्ज बनता है ना कि हम उनका वेलकम करें, उनकी देखभाल करें। इतना छोटा सा घर है हमारा, वो सारे ब्रार यार समाई नहीं पाएंगे तो क्या बात सुहा करेंगे? बस जी, सीरत के ब्याह की बात सुधा दीदी के घर होगी, वही बेस्ट है हमारे लिए। ठीक है? टेंशन दूर कर दी मेरी दीदी ने मेरी। शाबाश हो दे जमना लेते। मम्मी देखो, एक बात याद रखना, मासी ने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया ना, बहुत अच्छी बात है। शादी का जितना भी खर्चा होगा ना वो हम लोग उठाएंगे, उनके अच्छे का फायदा नहीं उठाएंगे हम लोग। हाँ जी, हम
खर्चा उठा सकते हैं ना शादी का? हाँ हाँ उठा लेंगे, पापा जी और मैं मिलकर ना शादी की सारी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, संभाल लेंगे पापा। वेरी गुड जी, रब की बड़ी मेहर है हमारे ऊपर है ना। थैंक यू पापा जी। तेरी मेरी डोरियां आज शाम 7 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।